नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट। बच्चे इस क्वेश्चन को केयरफुली समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं है कि टफ है, इजी है। स्टडी द पैटर्न, तो देखो स्टडी द पैटर्न, इसमें ये कुछ पैटर्न हमें दे रखा है, इसको हमने अच्छे से स्टडी करना है। जैसे 1 × 8 + 1 = 9 लिखा हुआ है, ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है ये 12 × 8 + 2 = 98 लिखा हुआ है, तो इस तरीके से ही हमने पैटर्न देखा। तो ये आपसे कह रहे हैं कि फाइव स्टेप तक हमने लिख दिया है, राइट द नेक्स्ट टू स्टेप्स, इसके आगे वाले जो टू स्टेप्स हैं वो हमें लिखने हैं। तो पहले यहाँ तक देखिए आप, देखो कैसे लिखेंगे, द नेक्स्ट टू स्टेप्स विल बी, बच्चे इसको देखो ऑब्जर्व करना है आपको अच्छे से, कैसे ऑब्जर्व करना है कि जैसे कि यहाँ पर है, देखो पहले यहाँ पे 1 था, फिर 1 2 था, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, तो अब इसके बाद क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, एक एक नंबर आगे बढ़ाते जाओ। जैसे यहाँ पे पहले 4 4 था, 4 के बाद फिर इधर 5 आ गया, अब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 6। इसी तरीके से अगर अगला नंबर लिखना चाहेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे। फिर बीच में पढ़ो, देखो सबके बीच में मल्टीप्लाई 8 8 8 8 8 है, तो इसका मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई 8, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 8 लिखोगे। फिर देखो इसको पढ़ो, काउंटिंग पढ़ो, +1 है, 2 है, 3 4 5, 5 के बाद क्या आएगा, +6, 6 के बाद क्या आएगा, +7। तो इस तरीके से इस पैटर्न को अच्छे से हमने पढ़ना है और फिर लिखना है। इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो जैसा कि 9 है, 9 के बाद 9 8, फिर 9 8 7, फिर मतलब एक एक कम कम करके लिखते जा रहे हैं ये, देखो 9 8 7, 9 8 7 6, 9 8 7 6 5, तो इसके बाद क्या आना चाहिए अब हमारा, 9 8 7 6 5 4, फिर आगे क्या आना चाहिए, 9 8 7 6 5 4 3, तो एक एक नंबर कम करके ये लिखते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से स्टडी करा और ये पैटर्न लिखा। आगे है, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क, आपको ये बताना है कि ये जो पैटर्न वर्क कर रहा है, जैसे हमने लिखा है, ये कैसे बन के आया, किस तरीके से प्रिपेयर हुआ है और कैसे हुआ। तो हम लिखेंगे येस वी कैन टेल, हम अच्छे से बता सकते हैं द वर्किंग ऑफ द पैटर्न, कि कैसा कैसा इसका वर्किंग ऑफ पैटर्न है। तो देखो ये मैं आपको समझाऊंगी, अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखो ये वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे, जैसे 1 है, 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, ऐसे। तो पहले बच्चों 1 है, तो 1 है तो इसका मतलब 1 तो 1 ही है, 1 के सामने 1 ही लिखना है, कुछ है ही नहीं। आगे है जैसे 1 2, तो बच्चों 1 2 मैंने यहाँ पे लिखा, पहले पहले इधर से लिखना है आपको, तब इधर लिखना है, 1 का 1 लिख लिया था और सेकंड में 1 2 था, तो बच्चे पहले जो पीछे वाला नंबर है 2, यानी 2 है, तो इसमें 2 बार 1 1 लिखोगे आप, जैसे पीछे 2 है तो 2 बार 1 1 लिखोगे, फिर +1 है यानी 1 ही बार 1 है तो 1 बार 1 लिखोगे, ऐसे। जैसा कि 1 2 3 है तो पीछे से स्टार्ट करना है, जैसे पहले 3 है तो आप 3 बार 1 1 लिखोगे, ऐसे 3 बार 1 1 1, फिर क्या है आगे 2, फिर 2 बार लिखोगे 1 1, फिर क्या है आगे 1, फिर 1 लिखोगे, ऐसे। मतलब इसको गिनते जाना है, पीछे से स्टार्ट करना है, इसको गिनते जाना है, उतने 1 1 1 1 लिखते जाना है। जैसे देखो अगला नंबर क्या था, 1 2 3 4, ये मैं सारे नंबर यहाँ से ले रही हूँ, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ऐसे यहाँ तक लूँगी मैं, 1 2 A7 तक, पहले मैं इसका एस्टिमेट करके बता रही हूँ आपको। तो अब देखो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है पहले 5 है तो आप 5 1 लगाओगे, फिर क्या है +4, तो 4 बार 1 1 लगाओगे, फिर क्या है +3, तो 3 बार लगाओगे, फिर कितना है 2 2 लगाओगे, फिर कितना है 1, फिर 1 लगाओगे। तो पीछे से स्टार्ट करना है, ऐसे ये लिखना है, ऐसे ये लिखना है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे है बच्चों, आगे देखो इस तरीके से ये क्या लिखा हुआ है इसमें, कि जैसे ये वाले नंबर थे हमारे 1 1 2 1 2 3, ऐसे ये साइड वाले जो मैंने आपको इधर बताए थे, ये वाले 1 1 2 1 2 3, तो इस तरीके से पहले इधर ये सारे नंबर हमने उतार लिए यहाँ पर, 1 1 2 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ऐसे। फिर सभी के बीच में मल्टीप्लाई 8 8 था, देखो ये पीछे था, यहाँ पर सभी के बीच में मल्टीप्लाई 8 8, तो हमने भी यहाँ पर लिख लिया मल्टीप्लाई 8 8। फिर उसके बाद 1 2 3 4 एडिशन था, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है। अब हमें ये पैटर्न समझना है कि ये क्या लिखा है हमने, तो देखो बच्चों इसमें ऐसे लिखना है हमने कि जैसे कि यहाँ पर 1 है, ये वाला 1 था, तो 1 का रिजल्ट 1 ही है, देखो पीछे से यहाँ पर देखो ये 1 का रिजल्ट क्या था, यहाँ पे 1, तो इसलिए इस 1 का रिजल्ट हमने यहाँ पे 1 लिखा, मल्टीप्लाई 8 एज इट इज़, फिर ये वाला +1 एज इट इज़। आगे है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो ये 9 कैसे लिखा हुआ है, 8 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 8 1 जा 8 + 1, कितना आ गया 9, तो इस तरीके से आंसर लिखा हुआ है। आगे है जैसे 1 2, तो ये 1 2 का रिजल्ट आप पीछे से लिखते जाओगे, देखो
ये 1 2 का, 1 2 का यहाँ पे रिजल्ट क्या था, ये पूरा था ना ये वाला, ये पूरा उठा के आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे भर देना है, यहाँ पे 1 2 के प्लेस पे। फिर मल्टीप्लाई 8 है, फिर प्लस 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 है फिर प्लस 2 है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे देखो 11 प्लस 1 कितना हो गया 12, 12 का मल्टीप्लाई 8 से करो तो 12 × 8 कितना हो गया, ये हो गया 96, 96 में 2 ऐड करोगे तो कितना आ गया 98। तो इस तरीके से आया हुआ है ऐसा कि, जैसे एक स्टेप और बताती हूँ आगे, जैसा 1 2 3 था, 1 2 3 मल्टीप्लाई 8, तो 1 2 3 का रिजल्ट क्या था पीछे जो मैंने आपको अभी सिखाया था बनाना, देखो 1 2 3 का रिजल्ट ये पूरा था ना ये वाला, ये सारा पिकअप करके आपको यहाँ लिखना है, तो ये सारा पिकअप करके हमने 1 2 3 की जगह यहाँ से लेके यहाँ तक भर दिया। फिर मल्टीप्लाई 8, फिर प्लस 3, फिर प्लस 3, फिर आपको क्या करना है, उसी तरीके से आप इन तीनों का प्लस करके देखिएगा, मल्टीप्लाई 8 करना फिर प्लस 3 करना, तो उसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये सारे किए हुए हैं हमने, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो फिर बताइएगा, ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।